Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गवान कृष्ण का मामा था कंस। कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वो था जरासंध। वो बृहदर्थ नाम के राजा का पुत्र था। मगध सम्राट जरासंध का राज्य भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। वो अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चीदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांडे, सौबीर, मद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन कर लिया था। इसी कारण पुराणों और जरासंध की इस बहुचर्चा मिलती है। जरासंध अत्यंत क्रूर और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम में 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। यह भी कहा जाता है कि जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वो चक्रवर्ती सम्राट बन सके। कालेवन जरासंध का मित्र था। कालेवन जरासंध के कालेवन के साथ मिलकर मथुरा पर हमला कर दिया था। तब श्री कृष्ण की युक्ति से तय हुआ कि सेना आपस में नहीं लड़ेंगी, हम दोनों लड़कर फैसला कर लेंगे। कालेवन ने शर्त माना क्योंकि वो जानता था कि मैं शिव के वरदान के कारण अमर हूँ। जब वो श्री कृष्ण को मारने के लिए लपका तो कृष्ण मैदान छोड़कर भागने लगे। कालेवन ने भी उनके पीछे भागा। अंततः श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। जरासंध भी गुफा में घुसा, लेकिन उसने वहाँ एक व्यक्ति को सोते हुए देखा तो उसने समझा कि वो श्री कृष्ण ही हैं जो बहाना बनाकर सो रहे हैं। तब उसने सोए हुए व्यक्ति को लात मारकर उठाने का प्रयास किया। वो व्यक्ति मुचुकुंड था, जिसको एक कलयुग के अंत तक सोने का वरदान मिला था, और इसी बीच उसे जो भी उठाएगा वो उसके क्रोध की अग्नि में मारा जाएगा। मुचुकुंद ने जब आंखें खोली तो सामने कालेवन खड़ा हुआ था। मुकुचंद ने जब उसकी ओर देखा तो भस्म हो गया। जरासंध के मित्र के कई साथी राजा थे। यवन का राजा कालेव यवन, कामरूप का राजा दंतवक, चेदिराज का शिशुपाल, कलिंगपति पौंड्रुंग, अभीषम पुत्र रुक्मी, काध का अंशुमान तथा अंग बंग, कौशल, दर्शाण, भ्रद्र, त्रिगर्त आदि के राजा थे। इनके अतिरिक्त शाल्यवराज पवन देश का राजा भगदत्त, शोविर राज गंधार का राजा सुबल, नगनजीत का मीर का राजा गोदर्व, दर्द देश का राजा आदि। जरासंध का जन्म मगध के सम्राट बृहदशस्त की दो पत्नियां थी। जब दोनों को कोई संतान नहीं हुआ तो एक दिन वो महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि फल वे अपनी पत्नी को खिला देना, इसे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वो फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने ये नहीं पूछा था कि इसमें क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियाँ गर्भवती हो गईं, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वो आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंक दिया। उसी दौरान वहाँ से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के दो टुकड़े को देखा तो उसने माया से अपने दोनों टुकड़े को अपने आपस में जोड़ दिया और शिशु एक हो गया। एक होते ही वो शिशु दहाड़ मारकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकलीं और उस बालक को राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। एक ने उसे गोद में लिया। तभी राजा बृहदर्थ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां से खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय हुआ। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम था जरा था। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने बालक का नाम जरासंध रखा, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधित जोड़ा था। जरासंध वध की खासियत थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद युद्ध लड़ने का शौक था। उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वो कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोच अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया।
अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपाद से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार दो टुकड़े कर दिए, लेकिन उन टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते। जरासंध फिर से युद्ध करने लगा। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण के एक तिनके को बीच से तोड़कर उसे दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को दो फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की और दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.